हेलो पिला माने आशीष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे तुम मन को स्वागत। तो पिला माने तुम माने थंबनेल देखि जानि सारि थियो मु आज तुम मन को केउ टॉपिक रे कहिबा को जाउ छी। तो पिला माने समस्त छात्र छात्री मानक पई खुशी खबर, जे माने भी प्लस 2 करू छौ किंबा प्लस 3 करू छौ किंबा पीजी किंबा तुम माने हमरो अलग जहाँ भी कोर्स पिला माने करू छौ, बीएड हो किंबा नर्सिंग कोर्स हो, वर्तमान तुम मानकर स्टेट स्कॉलरशिप तरफ रु जो हमरो लास्ट डेट पिला माने थिला 15 नवंबर, वर्तमान तुम मानकर आउ एक नुआ नोटिस पिला माने आसी जाई छी, तुम मानकर वर्तमान डेट एक्सटेंड हो जाई छी बोले मध्ये हमें कहि परिबा। बट पिला माने देख मु तुमको यही वीडियो रे कंप्लीट डिटेल्स जणाई देबी कि हमर केऊ पिला मानक पई हमर डेडलाइन केते रही छी। ओके, जे माने हमर स्कॉलरशिप अप्लाई करि पार नथले, बहुत पिला कमेंट करथले कि सर हमर लास्ट डेट तो 15 नवंबर देखौ छी, बट आमे हमर कोन ना फ्रेश अप्लाई करि पारे ना हूं। तो पिला माने सेही टाइम रे फ्रेश अप्लाई आसी नथिला, किंतु वर्तमान फ्रेश अप्लाई पई नोटिस आसी जाई छी। ता सहित किछि पिला माने कहतले कि रिन्यूअल तो चली छी, बट आमे रिन्यूअल इन न्यू कोर्स करि पारु नथिलु। देखो आगरु रिन्यूअल कोन ना सेम कोर्स रे रिन्यूअल होतिला, बट रिन्यूअल इन न्यू कोर्स हो नथिला, किंतु वर्तमान थारु तो माने रिन्यूअल इन न्यू कोर्स मध्ये करि पारिबो। मु तोमान को एई वीडियो माध्यम रे देखै देबी कि तोमानकर लास्ट डेट मध्ये केते रही छी। ठीक अछि पिला माने, ता पूर्वरु तुम माने जदि एजाय हमर चैनल को सब्सक्राइब करि ना ताहेले सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे क्लिक कर दियो, जे द्वारा एमति सब बेले समस्त इन्फॉर्मेशन तुम मन को मिलि परथुबो। तो पिला माने देख तुम मन को डायरेक्टली मु स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल रो वेबसाइट को हमर नै आछि। तो एठी तुम मन को डायरेक्टली पिला माने हमर न्यू जेन अनाउंसमेंट रे तुम मन को मु अनाउंसमेंट देखै दउ छी। देख ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर फ्रेश एंड रिन्यू इन न्यू कोर्स एप्लीकेशन फॉर द ईयर 23-24। तो पिला माने आमे एटा को एक्सटेंड बोली कहि परिबानी, जस्ट आमे बुझिबा कि हां डेट हमर बढ़ी गला, बट पिला माने हमर फ्रेश अप्लाई पई आगरु आसी नथिला बा आगरु फ्रेश अप्लाई हो नथिला, रिन्यू इन न्यू कोर्स भी आगरु हो नथिला, बट वर्तमान थारु तो मनकर कंटिन्यू होबो 23-24 सीजन पई तमे रिन्यू इन न्यू कोर्स करि परिबो एंड हमर कोन फ्रेश मध्ये अप्लाई करि परिबो। फ्रेश एंड रिन्यूअल इन द न्यू कोर्स एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एलिजिबल एसटी एससी ओबीसी एससीबीसी ईबीसी जनरल पिला मानक पई नाइ। ओके, सो एसटी एससी ओबीसी एससीबीसी ईबीसी स्टूडेंट फॉर द ईयर 23-24 विल बी इनवाइटेड इन ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल ऑन डेट 15 नवंबर 2023 फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स। सो हमर 15 नवंबर 2023 हमर 2 PM ऑनवर्ड्स वर्तमान हमर स्टार्ट हो जाए। स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू अडहियर टू द टाइमलाइन गिवन बिलो। तो समस्त गोटे गोटे टाइमलाइन दि जाए, स्टूडेंट मैंने केट भितर आप्लाय करेंगे, इनिट्यूट केट भितर भेरीफाई कर, देन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के डेट भितर भेरीफाई कर। ठीक अच्छे, तो वर्तमान देख मु तुमको डेडलाइन टी कही दूँ। तो पे जो मर रिन्यू इन सेम कोर्स तार डेडलाइन आम 15 नवंबर पर्यटन थी ता सरी जा, जो मर आगर जो मैंने आप्लाय कर मनकर गोटे पिलाटे प्लस 3 करूला, प्लस 3 फर्स्ट ईयर थिला। ओके, एवं प्लस 3 फर्स्ट ईयर में अप्लाई करथिला, वर्तमान से प्लस 3 सेकेंड ईयर रिन्यूअल करने को चाहूँगी, माने से आमर कौन सेम कोर्स से डेडलाइन सरी जा। जो मैंने रिन्यूअल इन न्यू कोर्स करने को चाहूँ, मनकर प्लस 2 सेकेंड ईयर पढ़ु तुम मैंने अप्लाई कर, वर्तमान तुम प्लस 3 फर्स्ट ईयर पढ़ु, तुम कौन कर रिन्यू इन न्यू कोर्स तुम मैंने कर, जो मानकर पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप प्लस 2 जो मैंने पाइल। ठीक अच्छे, से वे रे जदि जने प्लस 3 थर्ड ईयर रे पाइथिला, तापर पीजी फर्स्ट ईयर रे पाइबा पई चाहौ छी, ताले रिन्यू इन न्यू कोर्स करिवो। आ जे आगरु तो केते बेले भी अप्लाई करि नथिबो से स्टार्टिंग फ्रेश अप्लाई करिवो, बुझियला। तो देखो डेडलाइन कोन कोन रही छी पिला माने, हमर स्टार्ट हेइ छी 15 नवंबर थारु। ठीक अछि, सो देखो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स 15 नवंबर 2023, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय स्टूडेंट 20 December 2023। तो तुम मानक पाखे पिला माने नियरली आहुरी देख ये आमर 15 डेज हेले के रहीगला, नियरली आहुरी पिला माने तुम मानक पाखे 45 दिन टाइम अच्छी। ठीक अच्छे, ये आमर 15 दिन डिसेम्बर पर्यंत, देन December 20। ओके, तो तुम नियरली 35 डेज पिला माने अच्छे। ठीक अच्छे, तुम मान 35 डेज आ मात्र अच्छी, तो 35 डेज भितर तुम मैंने पिला माने कौन कर ना आमर अप्लाय कर। ठीक अच्छे, आ मात्र 35 डेज तुम मानक अच्छे। लास्ट डेट फॉर स्क्रूटिनी एंड फॉरवर्डिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय इंस्टीट्यूट 20 जनवरी
तापर तुम वन मंथ टाइम मिल तुम इनिट्यूट को ठीक अच्छे। देन लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सैंक्शन ऑफ एप्लीकेशन बाय द डीडब्ल्यूओ कंसर्न जोटा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल रे 31 जनवरी भितर कर दिया दिज्वर तुम मार्च भितर पेमेंट सैंक्शन कर दिया ठीक अच्छे। पे जो तुमने पीडीएफ देखा चाहते मुझे तुमको देखेदेवी पे देख आम नोटिस जो आर पीडीएफ टी अवेलेबल अच्छी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एसटी एंड एससी डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास वेलफेयर आमर डिपार्टमेंट ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप जोटा मुझे तुमको कहली तार इलिजिबिलिटी कौन कौन पे तुमने देखी नियो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट शैल बिलोंग टू एसटी एससी ओबीसी एससीबीसी ईबीसी कम्युनिटी एंड शुड बी ए परमानेंट रेसीडेंट अफ ओडिशा ओडिशा रा परमानेंट रेसीडेंट होता दरकार। द स्टूडेंट शुड कंटिन्यू देयर पोस्ट मेट्रिकुलेसन स्टडीज इन एनी जेनेल टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेस इन एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट जेकोसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रे पढ़ु थो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट रे तुम्हें पढ़ु थो। ओके देन द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द पेरेंट और गार्डियन फ्रॉम ऑल सोर्सेस शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख तुम फैमिली पाने एनुअल इनकम जेकोसी सोर्स तुम अच्छी 2,50,000 रु अधिक हो नथिबा दरकार ठीक अच्छे। देन इन केस ऑफ ओबीसी एससीबीसी एंड ईबीसी स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवार्ड विल बी सब्जेक्ट टू एटलिस्ट केते परसेंट पे 50% मार्क इन लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम जो तुम प्लस थ्री अप्लाई करु प्लस टू तुम 50% थी दरकार जो तुम पीजी अप्लाई करु प्लस थ्री तुम 50% थी दरकार तुमको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल ठीक अच्छे। पे आउ कौन कौन रिक्वायरमेंट तुम स्कॉलरशिप प्रथमतः मैंडेटोरी पे कौन देख आधार इज मेड मैंडेटोरी फॉर एवेलिंग स्कॉलरशिप विदाउट आधार रे स्कॉलरशिप मिल प्लीज प्रोवाइड करेक्ट आधार नंबर ऑफ सेल्फ इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन केस इट इज फाउंड दैट आधार नंबर प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट इज रॉन्ग देन तुम एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट कथा पे देख तुम मानकर आधार मोबाइल नंबर सह लिंक होता दरकार जदि आधार एंड मोबाइल नंबर लिंक देन यू कैंट अप्लाई तुम अप्लाई करापर तुम आधार बैंक अकाउंट सहित पे सीड होता दरकार जदि तुम आधार बैंक अकाउंट सह सीड होनी लिंक होनी तुम्हें अप्लाई करना कि तुम्हें आम पेमेंट पाइपर ना बट पे यहाँ बहुत इजी प्रोसेस तुम्हें जब जानवा को भी चाहूँ मत कमेंट कर मु तुमको या उपर गोटे स्पेशल वीडियो नहीं आसबी कि तुम आधार नंबर सहित तुम्हें निजे केमी 2 मिनिट्रे ऑनलाइन रे बैंक अकाउंट को लिंक कर तुमको कौन सी बैंक जावाक पड़बन कि पड़बन जस्ट तुम्हें आम गोटे ब्राउजर ओपन करके आधार एंड बैंक अकाउंट को लिंक करई पारिबो जो तुमने जानवा को चाहछ कमेंट बॉक्स के कमेंट कर मुझे एक वीडियो नहीं आसबी कहीदेवी आधार सहित बैंक अकाउंट 2 मिनिट्रे तुमने लिंक कर पार ठीक अच्छे। पे ता सहित पे नेक्स्ट देख आउ कौन कौन नोट्स ये प्रोवाइड कर सबकि जनईदे आज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टिफुलेशन पेमेंट्स ऑफ स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी मेड ओनली इन आधार सीडेड बैंक अकाउंट जोड़ा मुझे तुमको ये कहली पे ठीक अच्छे। सो मोर बैंक अकाउंट लिंक होगा दरकार जो लिंक ना प्रथम लिंक करपर जाए कर स्मॉल पर्सन ऑफ स्कॉलरशिप टॉपअप अमाउंट इन केस हॉस्टल और स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड इन द बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन जो मैंने हॉस्टलर से फर्स्ट ऑफ ऑल अल्प अमाउंट पठाजा पुणी आम रेस्ट अमाउंट पठाजा देयरफॉर बी वेरी केयरफुल इन प्रोवाइडिंग अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी तो आम अकाउंट नंबर आउ आईएफएससी करेक्टली देव इन केस एनी मिसक्रेडिट ऑफ अमाउंट हैपेंस ड्यू टू रॉन्ग एंट्री देन डिपार्टमेंट दायी रही ना ठीक अच्छे। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बोथ इनसाइड स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट कैटेगरी शैल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो कौन कौन फ्रॉम द ईयर 2023-24 आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट फ्रेश एंड रिन्यूअल इन न्यू कोर्स विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम ओनली इफ स्टडिंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जदि आउटसाइड स्टेट रो किए पिला आमर अप्लाई करुछंती आउटसाइड स्टेट रो बट ओडिशा रे पढ़ुछंती ताहले जदि ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रे पढ़ुथिबे ताहले जाई कि पाई परिबे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट रे हेले पाइबेनी। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द यूआरएल गिवन अबव एंड क्लिक ऑन हाउ टू अप्लाई तुमको हाउ टू अप्लाई पे मैंने वीडियो कंप्लीटली नहीं आसती जो तुमने देखी ना ताहले देखिपार पे ओके तुमको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में तार लिंक प्रोवाइड करदे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन रू फाइनाल प्रिंट पर्यंत ओके तार वीडियो मुझे अपलोड करदे तुमने देखी नब लॉगिन आईडी वुड बी जनरेटेड ऑन ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन देयरफॉर स्टूडेंट मोस्ट एनश्योर दैट दे आर
आधार इज लिंक्ड विथ एन ऑपरेशनल मोबाइल नंबर जोटा आम ओटीपी रिसीव करुव बिकज रजिस्ट्रेशन कला बेले तुमको तो दरकार हे आधार आम मोबाइल नंबर देने आधार को ओटीपी जीव से अनुसार देखिए तुम रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लॉगिन कला लॉगिन कला बेले तुम मन न्यू पासवर्ड दबो तापर से अनुसार तुम मैंने कंटिन्यू कर तार फुल प्रोसेस मुझ तुमको आगर जनईदे तुम मैंने से लाइव डेमो वीडियो देखो ओके तुमको लाइव डेमो वीडियो नहीं आसती कि तुम्हें केमी आप्लाय कर जो मैंने देखी ना से लाइव डेमो वीडियो देखो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में तार लिंक प्रोवाइड करदेवि अदरवैज एबर एंड रे भी शो हो ठीक अच्छे। सो आई होप कि तुमको वीडियो बहुत भल लगी जदि भल लगी निश्चय लाइक कर और तुम फ्रेंड सर्कल पे मेनली सेयार कर जोद्वारा से इनफर्मेसन पाइपे ठीक अच्छे पे। सो आज ये पुणी देखा हे आउ एक इनफर्मेसन सहित धन्यवाद।